तो जैसा कि हम जानते हैं कि कार्बन जो एक है इसके आउटर मोस्ट में चार इलेक्ट्रॉन होता है, ये शेयरिंग करता है, और जब शेयरिंग करता है तो ये कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है। जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं दो एलिमेंट्स के बीच में तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अगर कभी भी ऐसे दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हो, दो या दो से अधिक, जो जिनमें सभी का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती हो तो वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड्स की जरूरत पड़ती है, वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और ऐसे कंपाउंड जो कोवेलेंट बॉन्ड से बनते हैं उनको कोवेलेंट कंपाउंड्स बोला जाता है। तो कार्बन जनरली कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, यानी इसको कोवेलेंट कंपाउंड्स भी बोला जाता है, जिनको एक अलग कार्बन के कंपाउंड्स को अलग एक ब्रांच में भी स्टडी किया जाता है, जिसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोली जाती है, जिसमें बहुत ज्यादा कार्बन कंपाउंड्स के बारे में ही स्टडी की जाती है। तो आइए हम देखते हैं कुछ कोवेलेंट बांड का एग्जांपल। कोवेलेंट बांड जो होती है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और ये तीन तरह से होता है। एक सिंगल कोवेलेंट बांड, दूसरा डबल कोवेलेंट बांड, तीसरा ट्रिपल कोवेलेंट बांड। तीन तरह का कोवेलेंट बांड होता है, सिंगल कोवेलेंट बांड, डबल कोवेलेंट बांड और ट्रिपल कोवेलेंट बांड। सिंगल बांड कब बनता है, जैसे मान लीजिए कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसके आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे हाइड्रोजन है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसका ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको बस दो इलेक्ट्रॉन, यानी हीलियम का ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अचीव करके स्टेबल होता है। तो ये क्या करता है, इससे एक इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल हो जाता है, और फिर ये हाइड्रोजन इसका एक इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल हो जाए, चूंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो है दोनों हाइड्रोजन की स्टेबिलिटी को कंप्लीट करने में यूज हो रहे हैं, यानी क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं। तो जब दो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हो तो इनके बीच में एक सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और इसको हम लोग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। डबल कोवेलेंट बॉन्ड का देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट है ओ, ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, कॉन्फिगरेशन 2 और 6, यानी इसके आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको दो इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो अगर एक और ऑक्सीजन अगर इसमें हो O2, तो O के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, O के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो हमने कुछ ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, दो दो चार दो छ, और दूसरे वाले भी ऑक्सीजन का दो दो चार दो छ, इसके पास 6 हैं और इसके पास भी 6 हैं, और दोनों के पास अगर दो दो और हो जाए तो इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये स्टेबल हो जाएंगे। तो ये क्या ऑक्सीजन करता है, इस वाले ऑक्सीजन के दो इलेक्ट्रॉनों को लेकर स्टेबल हो जाता है, और ये वाला ऑक्सीजन इनके दो इलेक्ट्रॉनों को लेकर स्टेबल हो जाता है। अब क्या हो रहा है, दोनों एलिमेंट के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है। शेयरिंग इस मतलब से हो रही है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स इसके भी स्टेबिलिटी को कंप्लीट कर रहे हैं, साथ ही साथ इसके भी स्टेबिलिटी को कंप्लीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे चूंकि दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है तो यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ओ डबल बॉन्ड ओ, तो इसको डबल कोवेलेंट बॉन्ड बोला जाता है। अब तीसरा जो है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड तब बनता है जब तीन तीन इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। जैसे अगर हम लोग N2 का एग्जाम्पल लें, नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन जो एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 7, इसके आउटर मोस्ट में होते हैं 5 इलेक्ट्रॉन, अगर इसको 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये स्टेबल हो जाएगा। यहां से चूंकि दो नाइट्रोजन है N, N, दोनों के पास आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है, अब इसके पास 5 है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो ये क्या करता है, नेबरिंग नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल हो जाता है, और ये नाइट्रोजन को भी 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इस नाइट्रोजन से 3 इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल हो जाता है। इस तरह से दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट हो जाते हैं और दोनों स्टेबल हो जाते हैं। तो इनके बीच में चूंकि तीन तीन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है तो यहाँ पे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एक एलिमेंट दूसरे इलेक्ट्रॉन से उतने ही इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा जितने की वो उससे कर रहा होगा। एक और हम लोग एक एग्जाम्पल है कार्बन कंपाउंड का, मिथेन CH4, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फिगरेशन 2 4, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 1, यानी कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और हाइड्रोजन को 1। तो अगर हमने कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन को शो करें और इनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को कुछ इस तरह से डोनेट करें, रिप्रेजेंट कर दिए, और कार्बन के आउटरमोस्ट 4 इलेक्ट्रॉनों को कुछ इस सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं,
डिफरेंट सिंबल ले रहे हैं ताकि समझने में आसानी हो, ताकि ये किसका इलेक्ट्रॉन है। तब हाइड्रोजन को दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल हो गया, ये इसका इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल हो गया, ये हाइड्रोजन इसका इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल हो गया, और ये भी हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल हो गया। इस तरह से चारों हाइड्रोजन तो स्टेबल हो गए। अब कार्बन को स्टेबल होना है, क्योंकि ये कार्बन इस हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इससे ले लिया एक, इसको हाइड्रोजन को दे रहा है एक, इस हाइड्रोजन को एक दे रहा है, इस हाइड्रोजन दे रहा है, तो जिसको जिसको एक एक इलेक्ट्रॉन दिया उससे एक एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। इस तरह से अब इसके सर्कल में भी दो दो चार दो छह दो आठ, यानी इसके भी आउटर मोस्ट में आठ इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरह से ये भी स्टेबल होगा। अब चूंकि दोनों कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, यानी यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो कार्बन जो है जनरली सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स भी बनाते हैं, डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स भी बनाते हैं, और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स का भी फॉर्मेशन करते हैं। अब हम अगले टॉपिक पे देखते हैं कि कार्बन जो है वो एग्जिस्ट किस फॉर्म में करता है। तो कार्बन जो है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है और कंबाइंड स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है। फ्री स्टेट में जैसे डायमंड, ग्रेफाइट, इस तरह से फ्री स्टेट में भी पाए जाते हैं जिसमें बस कार्बन एग्जिस्ट करता है, और कुछ ऐसे भी कंपाउंड है जिसमें वो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करता है, जैसे एलपीजी हो गया, सीएनजी हो गया, कोल हो गए, गैसेज हो गए, एलपीजी गैसेज, पेट्रोलियम, ये सब जो है कंबाइंड स्टेट में होते हैं। तो कार्बन जो है वो फ्री स्टेट में भी पाया जाता है और कंबाइंड स्टेट में भी। अब हम लोग कार्बन के इलेक्ट्रॉप्स को देखते हैं। इलेक्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन, तो पहले इलेक्ट्रॉप्स किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉप्स उसको बोलते हैं अगर एक ही एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म सेम स्टेट में पाए जाए तो उनको हम लोग इलेक्ट्रॉप्स बोलते हैं। जैसे कार्बन के इलेक्ट्रॉप्स जो होते हैं डायमंड, ग्रेफाइट और एक और है फोलेरेंस, ये सब जो है कार्बन के इलेक्ट्रॉप्स हैं। ये तीनों कार्बन के ही कंपाउंड हैं और सेम स्टेट में पाए जाते हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, मैच करती है। तो ये कार्बन के तीन अलग अलग कंपाउंड है जिनको इलेक्ट्रॉप्स ऑफ कार्बन बोला जाता है। डायमंड हम लोग बखूबी जानते हैं, ग्रेफाइट्स को भी जानते हैं, ये न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट है, कंपाउंड है फुलेरेंस। अब इनकी प्रॉपर्टी को अगर हम लोग डिस्कस करें तो चूंकि कार्बन के आउटर मोस्ट में चार इलेक्ट्रॉन होता है, तो डायमंड के केस में, डायमंड के बारे में जानते हैं, डायमंड एक हार्ड सब्सटेंस है और ये काफी क्या होता है, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, काफी चमकीला होता है, काफी मजबूत होता है और काफी कास्टली भी है ये सब्सटेंस। इसके आउटर मोस्ट में चार इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है कि चारों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं, दूसरे दूसरे कार्बन से जुड़े होते हैं और चारों इसमें एक दूसरे से बॉन्डेड होते हैं, मतलब चारों इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो यूज्ड होते हैं, एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें चार इलेक्ट्रॉन यूज्ड होते हैं बॉन्डिंग में। जबकि ग्रेफाइट जो कि हम लोग पेंसिल्स में यूज करते हैं, एक सॉफ्ट कंपाउंड होता है जो इलेक्ट्रोड्स बनाने में भी यूज होता है, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, क्योंकि ये भी कार्बन का ही कंपाउंड है, ये भी कार्बन का कंपाउंड है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, लेकिन ये डायमंड जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं होता है। क्यों, क्योंकि जो ग्रेफाइट के केस में बस तीन ही इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो यूज होते हैं बॉन्डिंग में, एक इलेक्ट्रॉन जो होता है फ्री होता है, वो कंटिन्यूअस मूव करता रहता है और उसी के कंटिन्यूअस मूवमेंट की वजह से उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है और ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। जबकि जो फुलरेंस होता है, इसके ज्यादा प्रॉपर्टी को अभी तक डिस्कवर नहीं की गई है, लेकिन ये भी जो प्रॉपर्टी शो करता है वो डायमंड और ग्रेफाइट के बीच की प्रॉपर्टी शो करता है। जैसे कि डायमंड काफी हार्ड सब्सटेंस होता है, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, तो वो फुलरेंस जो होते हैं ना ही बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं और ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं।